नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज हम चलते हैं सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, जो कि हरियाणा झज्जर में उपस्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये हम ऑफिस में भी आ चुके हैं। ऑफिस काफ़ी प्यारा है और काफ़ी बड़ा भी है। मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ ऑफिस का। यहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो ये था ऑफिस, और ये है बाहर के कुछ नज़ारे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये स्कूल जो है वो क्रिकेट और पढ़ाई के साथ साथ अटैच है दोनों एक दूसरे से। यहाँ खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान दिया जाता है और पढ़ाई भी होती है। ये एक स्कूल भी है और ये एक एकेडमी भी है, जहाँ पे क्रिकेट सीख सकते हैं, वॉलीबॉल सीख सकते हैं, और भी जितने भी गेम्स होते हैं वो आप सारे सीख सकते हैं। ये क्लास बिल्डिंग है जहाँ पे क्लास लगती है बच्चों की, और ये कुछ कैंपस के नज़ारे हैं। कैंपस काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये शायद बास्केट कोर्ट है और फुटबॉल वगैरह के लिए है बच्चों का। यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, क्रिकेट के साथ भी और बहुत सारे खेल हैं। आपको जिसमें भी रुचि है आप उस गेम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पे 12th क्लास तक स्कूलिंग की भी व्यवस्था है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, मैंने जूम किया है, ये जो बच्चे क्रिकेट सीखते हैं उनके लिए बॉलिंग मशीन वगैरह किट वगैरह का था। और इधर शायद कुछ बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद कुछ बच्चे आए हैं, मैं जूम करता हूँ। हाँ, तो यहाँ कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे नेट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहाँ कुछ बच्चों का मैच भी चल रहा है। और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, जैसा कि मैंने सुना फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, शायद इतना ही इसका मतलब एरिया होगा इस ग्राउंड का। तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे अंडर 19 वगैरह भी खेले हैं, जैसा कि सुनने में आया है। काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं बच्चे, कुछ आनंद लिया जाए इनके खेल का, आप भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। उधर कुछ शायद कंस्ट्रक्शन भी कुछ काम वाम चल रहा है छोटी मोटी। कैंपस तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ग्रीनरी एरिया है, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे से लगाए गए हैं, वातावरण का ख़ास ख्याल रखा गया है यहाँ पे। चलिए आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। यहाँ कुछ बच्चे किट वगैरह रखे हैं, अपना चेंज कर रहे हैं, उनकी शायद वो भी खेल रहे होंगे। सामने जो दिख रहा है ये शायद हॉस्टल बिल्डिंग है, आगे चलते हैं फिर पता लगेगा ये क्या है। मौसम में काफ़ी उमस है, चलिए बढ़ते हैं हॉस्टल की तरफ और देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या दिखा सकते हैं हम आपको। ये शायद स्विमिंग के लिए एरिया है जो कि कवर्ड है, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि शायद लॉक है अभी ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इधर स्टाफ वगैरह के लिए शायद बाइक वगैरह की पार्किंग भी है। काफ़ी अच्छा स्कूल बनाया गया है, हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है। बच्चों का भविष्य जो है वो सिर्फ खेल में ही ना रहे, उसके साथ साथ पढ़ाई में भी रहे, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर सके अपना, और अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं
वो आसानी से कर सके, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो खेल की कमी ना हो या फिर नॉलेज की कमी, किसी तरह की कोई कमी नहीं देना चाहते हैं सहभाग जो इनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको। और ये काफ़ी शहर से दूर बनाया गया है, अच्छे वातावरण में बनाया गया है ताकि बच्चों को जो है वो फ्रेश एयर मिल सके, नेचुरल चीज़ें मिल सके बच्चों को। और ये हॉस्टल बिल्डिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉस्टल भी काफ़ी बड़ा है, करीब करीब 150 या मे बी 200 स्टूडेंट इसमें रहते होंगे। और काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी है यहाँ पे, खास ख्याल रखा जाता है, कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है आसानी से। तो मैं आपको बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ, अंदर तो हॉस्टल काफ़ी अच्छा है मैंने देखा था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था। और ये मैं मेस कैंटीन दिखाता हूँ आपको, जहाँ बच्चे अपना भोजन या फिर ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता या डिनर करते हैं। तो अभी तो डिनर का टाइम नहीं है क्योंकि करीब करीब 3 बज रहे हैं अभी, और डिनर जो है वो रात में होगा, लंच हो चुका है 2 बजे से पहले। तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा देता हूँ, आप एरिया देख लीजिए और समझ जाइए कि हाँ मतलब ये मेस है, काफ़ी अच्छा मेस है, काफ़ी बड़ा है, एक साथ करीब करीब 1000 बच्चे तो बैठ के खा ही सकते हैं मेरे ख्याल से। अब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो ये जो था ये कैंपस था जो मैंने आपको दिखा दिया, ये क्लास बिल्डिंग थी जो मैंने आपको दिखा दी। तो मैं इतना ही कवर कर पाया हूँ, आगे मिलता हूँ आपसे और नेक्स्ट वीडियो में आपको